आज के टॉपिक बहुत जबरदस्त, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल। मतलब मलिक साहब आ गए, मलिक साहब। बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। तो आज हम बात करेंगे, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट गेटिंग रिच, और सिर्फ रिच नहीं, सुपर रिच। गेटिंग सुपर रिच, हाउ टू गेट सुपर रिच। क्योंकि क्योंकि सारी चीजें स्टार्ट होती हैं माइंडसेट से। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, आपके काम के लिए, आपके आपके हर चीज के लिए। कोई भी काम है उसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट क्या होता है, मुझसे जरा इंटरेक्ट होते रहा कीजिए चैट में, और वैसे भी दो चार लोग तो मुझे पता लगता है कि हाँ आप हैं, पता चला, वरना बेड पे फोन लगाया और ये जाओ हो जा है। तो फिर क्या होता है, फिर पता ही नहीं रहता है। तो आज हम बात करेंगे गेटिंग रिच, वेयर यू गेट योर एडवाइस, द मिलेनियर डिसीजन, मिलेनियर मैथ, और इंक्रीज इनकम, स्टे ब्रोक, सेव टू इन्वेस्ट, मल्टीपल फ्लोज ऑफ इनकम। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, और रिपीट, रेनफोर्स एंड हाई परफोर्स। तो बस जल्दी से सब लोग आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं। जिनको बुकलेट मिल गई है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 150 लोगों को बुकलेट मटेरियल और बहुत सारी चीजें पहुंच गई हैं। जिन लोगों को नहीं पहुंच पाई हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनको पहुंचेगी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है ना। और जो किट है, डिस्ट्रीब्यूशन किट, डिस्ट्रीब्यूशन किट जो है वो भी अवेलेबल होने वाली है। लेकिन आप लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता नहीं, मुझे देख के होती नहीं होती, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी होती है। मतलब मेरा जीवन, आई एम वेटिंग फॉर किट एंड बुक्स। जी हाँ, जिनको नहीं मिल पाई है, थोड़ा समय समय लगता है। आप ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम मैं भेजूंगा यहाँ से और एकदम सट से पहुंच जाए, कोई वो नहीं है ना। व्हाट्सअप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एकदम नहीं पहुंच पाता है ना, तो थोड़ा समय लगता है। वेट एंड पेशेंस। सक्सेस के लिए कितनी चीजें जरूरी होती हैं। सक्सेस डिपेंड ऑन फोर थिंग्स। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट, योर क्लियर एम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक क्लियर एम, पर्पस, मकसद होना चाहिए। आपने संस्था खोली है, उसका पर्पस, एम, मकसद, विजन, मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। सेकेंड, हार्ड वर्क, और थर्ड, परसिवरेंस, है ना। कितने लोगों को बिलीव है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क जरूरी है। लेकिन आपको एडवाइस कहाँ से लेनी चाहिए, एडवाइस आपको किन लोगों से लेनी चाहिए? उन लोगों से लेनी चाहिए जो आपको बताएं कि क्या करना है ना। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। तो एडवाइस आपको कहाँ से लेनी चाहिए? हाँ जी, एडवाइस किससे लेनी चाहिए जो आपको बताए कि क्या करना है, कैसे करना है ना। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है? नहीं भाई, एडवाइस उससे नहीं लेना होती है जो आपको बताए क्या करना है। एडवाइस उससे लेना होती है जो आपको बताए क्या नहीं करना है ना। व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि क्या करना है ये पता है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, ज्यादातर पता होता है ना। और ये कौन लोग बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है? ये वो लोग बताते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ किया नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है नहीं। वो बोलते हैं हाँ, संस्था खोल लो, संस्था रजिस्ट्रेशन करा लो, यहां से फंड मिल जाएगा, वहां से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। वो जो आपको ये बताए कि भैया व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, वो मेन है। क्यों? क्योंकि उसने देखे होंगे रास्ते के गड्ढे, उसने 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 दिक्कतें फेस की, उसको मालूम है कि यहाँ बेटा ये करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो
किसके पास जाना होता है जो आपको बताए कि क्या करना है कैसे करना है? नहीं, उसके पास नहीं जाना होता। आपको उसके पास जाना होता है जो आपको बताए क्या नहीं करना है ना। ये कैसे कैसे फंड रेस करें 100 डेज में, तो गोल्स होना चाहिए आपके पास, टारगेट होना चाहिए कि आप टारगेट करें, गोल्स रखें अपने पास, है ना। मैथ, जिसको मैं बोलता हूं डू द मैथ। तो डू द मैथ क्या होती है, आज थोड़ा सा देख लेंगे आज इसी के ऊपर। अच्छा, रजिस्टर सब सारी चीजें ओके लेके बैठा करिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूं कि क्या बात की है क्या नहीं की है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की समस्या रहती है और बर्डन ज्यादा है। अभी मिल नहीं पाया हूँ बहुत लोगों से, जिन लोगों से पर्सनल मीटिंग करना है, विजिट करना है, बहुत सारी चीजें करना है। एनएसडीसी के सेंटर लेने के लिए जितने लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग बाद में मुझको कॉल या मैसेज कर दिया करें, नोट कर लिया करें। एनएसडीसी, यहां से आप ये समझ लीजिए अपना कॉलेज खोल सकते हैं, आप सर्टिफिकेट की बरछार कर सकते हैं, जॉब के लिए आप बहुत सारी वैकेंसीज खोल सकते हैं। मतलब आपके पास भीड़ लगेगी भीड़। तो काम ऐसा करिए कि अर्निंग के साथ में नेम फेम दोनों चीजें हो, है ना। काम तो हो जब तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है तब तक क्या करना है, सेव टू इन्वेस्ट, डोंट सेव टू सेव। हमेशा सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट करना है, हमेशा इन्वेस्ट, अपने में इन्वेस्ट करें, अपनी चीजों में इन्वेस्ट करें, ठीक है। पे द प्राइस टुडे सो यू कैन पे एनी प्राइस टुमारो, कीमत तो चुकानी ही होगी, ठीक है। तो मल्टीपल फ्लोज ऑफ इनकम के बारे में हमने बात की थी, और आज हम बात करेंगे डू द मैथ के बारे में। आज आप अपनी मैथ करिएगा, मैं आपको मैथ दे रहा हूं, ये मेरी मैथ है, और आप अपनी मैथ करिएगा। मैथ मतलब गणित, गणित लगाना है, बिना गणित लगाए कुछ नहीं होता है। तो पहले नंबर पे आप डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से विभाग आपको टारगेट करना है। अभी मेरे पास आज सुबह से कम नहीं इतनी कॉल्स आई होंगी कि रिकॉर्ड तोड़। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या हुई उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या टारगेट करना है। इफ यू डोंट एम समथिंग यू विल नेवर हिट एनीथिंग। अगर आप निशाने ही नहीं साधेंगे तो आप शूट किसको करेंगे, है ना। तो पहले नंबर पे एक टारगेट करिए, एक डिसाइड करिए। मैं जितनी चीजें बताता हूं उसमें सब में जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात समझिए, आपको पार्टिकुलर एक अपनी प्रोफाइल रेडी करना होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी एक पार्टिकुलर फाइल रेडी करिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरी अपनी रेडी करिए, है ना। फिर उसके बाद आप टारगेट करिए कि मुझे 4 विभाग को टारगेट करना है, 5 विभाग को टारगेट करना है, जितने कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को टारगेट करना है। ये नहीं कि जो मिल रहा है चलने दो, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी पता है अभी एक मेडिकल का प्रोजेक्ट आया था, उनको एक सज्जन को हमने दिया, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं सर मेडिकल में हमको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब ये दिक्कत फंस जाती है। अब इतनी मेहनत करके, कोशिश करके, उनके लिए दौड़ भाग करके एक करा, सब कुछ पैसा खर्च करके, अब लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सर ये तो हो नहीं पाएगा हमसे। अब पता है अब दिक्कत होती, अब मैंने किसी और को फिर वो कैसे ना कैसे वो करवाया। तो पहले नंबर पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और एजुकेशन, बहुत सारे लोग सब सिर्फ एजुकेशन बोलते हैं, सिर्फ एजुकेशन से भाई नहीं होता है, है ना। एजुकेशन में बहुत सारी एजुकेशन होती है, प्रौढ़ शिक्षा है, पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेसिफिक एक आप अपनी वो बनाइए, प्रोफाइल बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर प्रोफाइल नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये है, देखिए ये इस तरीके कैसे बनेगी प्रोफाइल और कैसे क्या बनेगा वो देखिए, तो आप नोट करिएगा। अब जैसे ये है, ये हमारी संस्था है, ये महिलाओं के लिए काम करती है, ठीक है, पायनियर एजुकेशन करके है, दिख रहा है नहीं, ये पायनियर एजुकेशन है, पायनियर फाउंडेशन है। अब इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि हम महिलाओं के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब इनका पता चल गया कि इनको कौन सा मिनिस्ट्री टारगेट करना है, कौन सा ऑफिस टारगेट करना है, ये जिला प्रोबेशन अधिकारी के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के नहा धो के, बस अब इनको वहां से प्रोजेक्ट मिलना ही मिलना है, 100 में 200% मिलेगा। नई रोशनी है, महिलाओं से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं उनको टारगेट करिए। आपके पास महिलाओं का ग्रुप है,
अभी सिलाई मशीन वाला जो था वो देखो सिलाई मशीन आ गई सबकी, जितने लोगों को मैंने कहा था फार्म भर दीजिए श्रम वाला, वो भरे रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे और वो आ गई, अब बटेगी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ऑफर आता है तुरंत एक्शन लिया करिए, एक्शन इंपॉर्टेंट है, फटाफट धनाधन तावड़ तोड़। कितने तरीके के एक्शन होते हैं मैंने बता रखा, चार तरीके के एक्शन होते हैं। एक होता है नो एक्शन, मतलब आप बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं कुछ करते नहीं है, ठीक है। एक होता है रॉन्ग एक्शन, एक होता है राइट एक्शन, सही एक्शन होता है गलत एक्शन होता है, एक होता है मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब ताबड़तोड़ ज्यादा से ज्यादा, भाई आपने एक एक डिपार्टमेंट पकड़ लिया, अब उसमें आप लग जाइए, पूरी फाइल रेडी करिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं आपके आपके पास फाइल है नहीं, प्रोजेक्ट प्रपोजल है नहीं। अब ये जैसे एक एप्लीकेशन एक पूरी तैयार होगी लिख के, ठीक है, पूरा लिख के सील मोहर, ये एप्लीकेशन हो गई, मुझसे पेपर ले लिया करिए, डॉक्यूमेंट्स सारे ले लीजिए और करना पड़ेगा आपको, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। फिर ये प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी होगा, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल, अब ये प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी होगा, इसमें पूरा पूरा आपको देना होगा अपना फुल एड्रेस, नोट करते रहिए, फुल एड्रेस होगा आपका, टेलीफोन नंबर। मैंने अभी मैसेज कर करके, आप ये समझिए मुझे कितने लोग व्हाट्सअप करते होंगे, और ब्रीफ मानिए भाई साहब, यकीन मानिए, जो मुझे मैसेज करते हैं वो मैसेज में पता है क्या करते हैं, वो लिख के भेजेंगे हाय, हेलो सर क्या हाल है, ठीक है। हमें भाई आप मैसेज कर रहे हो, आप संस्था वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन वाले हो, आपका मैसेज आना चाहिए एकदम गंभ से, फला 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 फला, आपके संस्था का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, फोन नंबर। और कुछ लोग तो इतने डरते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई साहब अपनी डिटेल्स दे दीजिए, वो अपनी डिटेल्स नहीं देते हैं। आप बताइए, वो अपनी डिटेल्स नहीं देंगे, अपना फोन नंबर नहीं देंगे, अपनी ईमेल आईडी, डरते हैं, कहते सर फोन नंबर एक ही, ये हमें कोई गोली मार देगा, आप छुपा के रखोगे कैसे होगा। आपको तो एक कार्ड मेरा है, मेरा विजिटिंग कार्ड है, मुझे रास्ते में जितने लोग मिलते हैं, कोई रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, मैं फटाफट सबको अपना कार्ड देता रहता हूँ, विजिटिंग कार्ड, उसमें मेरा फोटो है, आईडी है, फोन नंबर है। आप पता नहीं क्यों डरते हैं इतना, है? गेट नोन और गेट बिजी। साउंड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, साउंड सबको आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग ले लेंगे बात, है ना, रिकॉर्डिंग के लिए मुझसे कह दिया करिए मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो आप डरते हैं ईमेल आईडी डरते हैं देने से, अपने अपने सोशल मीडिया के लिंक प्रोवाइड करने से डरते हैं, तो कैसे होगा। अब उनसे मैं मांग रहा हूं भाई साहब आप अपना डिटेल दे दिए, उन्होंने दिया नहीं मुझको डिटेल, उनकी डर के हमारे हवा खराब, कहने लगे वो हमने आज फोन करने के लिए कॉल किया था, अब वो देखिए अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी। अब वो, अब मैं कुछ चाह रहा हूं कि मैं देख लूं उनका क्या है क्या नहीं, खैर। और तो इस तरीके से नहीं। हाँ, अब जैसे आपकी है एडल्ट एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वुमेन एंड यूथ की है, तो ये पूरा लिखा होना चाहिए कि कितने ये है, मतलब एक्टिविटीज, आपके पास एक्टिविटीज हैं, कितनी एक्टिविटीज हैं आपके पास। जितनी एक्टिविटीज होंगी आपकी संस्था में उतना ज्यादा आपका वर्क होगा, मैंने कहा है। और एक्टिविटीज बनाने के लिए भाई साहब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक्सपीरियंस बनाने के लिए कुछ नहीं लगता है, एक्सपीरियंस तो क्रिएट करिए, नए आदमी को कोई कुछ नहीं देगा, मैं वही घिसी पिटी बातें रोज रिपीट करता हूं, एक्सपीरियंस क्रिएट करिए। कितनी एक्टिविटीज होंगी आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, किसके पास कितनी एक्टिविटीज हैं बताइए, कमेंट करिए बताइए कितनी है, एक है, दो है, चार है, पांच है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, मैं अभी लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवाइए उसको, रेडी करिए फटाफट। कोई आपसे पूछता है तो आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, अधिकारी समझ जाएगा कि यार ये दो है एक्टिविटी, निजाम बोल रहे हैं बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है अच्छी बात है, 16 है, कौन कौन सी है जरा, 16 वाले जरा बता दें, 16 वाले जरा बता दें भाई साहब कौन कौन सी है जरा, दो चार गिना दें हमको एक्टिविटी फटाफट बोलिए जल्दी, दो चार लिख के भेजिए, 16 ऐसे थोड़ी ना दो का पहाड़ा पड़ रहे हैं, 2, 8, 6, 16 जरा गिना दीजिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज है गिनाइए सर, गिना दीजिए एक्टिविटीज। एक्टिविटीज नहीं है आपके पास, अगर एक्टिविटीज होंगी तो एक्टिविटीज के बेस पे ही तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। आप मेरी बात समझिए, अभी जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उन्होंने फंड निकाला है ब्यूटी पार्लर के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्यूटी पार्लर के लिए उन्होंने फंड निकाला है, 5 लाख रुपए का उनका फंड है, रियल में है ये, ठीक है,
ठीक है, अब आप बताइए वो किसको देंगे ब्यूटी पार्लर का फंड? आपने एक्टिविटी अपनी डाली तो उसमें अगर एक्टिविटी में अगर कहीं पे ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग या ब्यूटी पार्लर सेंटर अगर होगा आपका, तभी तो आपको मिलेगा। अब ब्यूटी पार्लर आपके में है नहीं, आपने क्या क्या डाल रखे हैं प्रोग्राम? आपने डाल रखे हैं पुअर चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन, क्लीनिंग एंड ग्रीन फरीदाबाद। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छे अच्छे से अपने आप को प्रोफेशनल वे में लेके आइए। ये दिखना नहीं चाहिए। देखिए एक चीज है, हमें कोई चीज आती नहीं तो वो गलत बात नहीं है, लेकिन हमने सीखी नहीं ये गलत बात है। मैं रोज रोज यहाँ पे आता हूँ, किसके लिए आता हूँ? सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग सीखें और करें। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं था, है? मुझे लगा मेरी तरह बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे, बड़े अच्छे लोग होंगे, तो ऐसे नहीं। उसका 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 पूरा आगे डालना पड़ता है। एजुकेशन प्लांटेशन आर्ट कॉम्पिटिशन स्कूल किड्स डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सी ऑन वेबसाइट। आहा आहा, वेबसाइट पे भाई साहब, वेबसाइट पे तो जाके मैं देखूंगा ही, लेकिन आपके पास में उसको एक्सप्रेस करने का वे होना चाहिए। अब जैसे एजुकेशन प्लांटेशन है, उसमें कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, बच्चे कितने हैं, कौन से सन में है, यही तो मैं कह रहा हूं कि उसको एग्जैक्ट अच्छे से करिए। कितने कितना उसमें खर्च आया, कितना एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को समझना होगा, कितने रुपए का बजट था, कितने रुपए खर्च हुए। जब ये चीज मतलब आपको जेन्युइन दिखना भी है और जेन्युइन रहना भी है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मतलब एक होता है प्रोफेशनल वे। अभी आप ऐसे समझिए, हम लोग शादी में जाते हैं तो क्या शादी में ऐसे ही उठ के चले जाते हैं? एकदम घर से उठे तैयार होके जाते हैं ना, तो वो तैयारी क्या है? वेल ट्रेंड, वेल वेल प्रोफेशनल, मतलब आप एकदम दिखना चाहिए ऑफिसर। यू लुक लाइक अ लीडर, यू लुक लाइक अ ऑफिसर। ये नहीं कि ऐसे बाल ऐसे हैं वैसे हैं और जहां पे भी जा रहे हैं वैसे नहीं। अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करिए, भले थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई देखे तो इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अब जैसे उसमें आपने जो भी चीज डाली है उनमें आगे आगे लिखा होना चाहिए क्या? प्रोग्राम ट्रेनिंग वर्कशॉप अवेयरनेस, इस तरीके से, मतलब जो पूरा पूरा उसका ये होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये? किट, चाइल्ड किट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेकिन उसमें उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्रेस हो, है ना? तो स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूशन, आर्ट कॉम्पिटिशन। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है आपको? आपको अच्छे से डालना है कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये अभी नहीं डालना है, मेरी बात फिर सुनिए, ध्यान से फिर सुनिए। आप जहां पर अप्लाई करेंगे, जिस स्कीम, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे पहले नंबर पे अवेयरनेस तो देखिए कि वहां पे किस चीज के लिए फंड है। फिर वो आपको तैयार करना होगा एक्टिविटीज के। भाई मान लीजिए मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, ब्यूटी पार्लर के लिए फंड है। अब आपने ये सब डाल के दिए हैं, अपनी एक्टिविटीज आपने डाल के दी है, मान लीजिए एजुकेशन प्लांटेशन आर्ट कॉम्पिटिशन स्कूल किड्स। आप बताइए क्या ब्यूटिशियन वाला आपको मिल जाएगा? ईमानदारी से बताइएगा, ब्यूटिशियन कोर्स के लिए फंड है और ये एक्टिविटीज आप जाहिर करेंगे, ये एक्टिविटीज आप देंगे, आप बताइए क्या ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए फंड मिलेगा? आप बताइए, नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें जो चीज है पहले नंबर पे, यही तो मैं कह रहा हूं, जितनी मैं वेबसाइट्स देता हूं उनको थोड़ा सा सर्च करा करिए, पढ़ा करिए कि क्या क्या है, है ना? तो जो जो वेबसाइट मैं दे रहा हूं उसको थोड़ा रीड करा करिए, हिंदी लगा लिया करिए। अगर नहीं लग पा रहा है तो आप मुझसे मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, है ना? क्योंकि वो सालों साल चले जाएंगे पूरा उसको व्याख्या करते करते, है ना? अब जैसे मान लीजिए आपने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, अब अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे बेस्ट होते हैं, ये बात ध्यान कर लीजिए। संस्था के लिए सबसे बेस्ट होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, नंबर वन पे होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या होता है? एक तो नंबर वन है कि पैसा नहीं लगता है कोई भी, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और दूसरा
कहीं पे भी गए गांव में, प्रधान से मिले, 10-5-20 लोगों को इकट्ठा किया, 20 मिनट में प्रोग्राम खत्म किया, बैनर फोटो खींचा, साइन लिए, प्रधान के लेटर पे लिखवा लिया, फोटो ले लिया, चले आए, हो गया प्रोग्राम। जिस चीज का चाहोगे उस चीज का प्रोग्राम हो जाएगा। अब प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं आप बताइए, कितने लोग जानते हैं कि कितने 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 कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आप बताइए, थोड़ा सा कमेंट करिए, मेहनत करिए थोड़ा, मैं तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा साथ में दौड़ो तो, खाली खाली मुझे ही थका रहे। प्रोग्राम लिखिए कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ तक दिमाग जा रहा है, देखिए लगाइए भाई साहब, डालिए डालिए। देखिए मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूं, कॉमन चीज, आप ऐसा नाम डालिए जो सारी चीजों में चल जाए। एक आपने ऐसा प्रोग्राम डाल दिया जिसको आप हर किसी में डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर से सुनिए। अब अगर यहां पे मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूं, मैं कर दूं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये किसका हो सकता है? आपने ये डाला कि हम सर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, अब जिस चीज का वो बोलेगा उस चीज का आप पट से कह दिए जी सर हमारे पास है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो अब इसके इनको पहले नंबर पे तो हेडिंग रहेगी, और हेडिंग के बाद में इनको पूरा उनके बारे में लिखना होगा, जैसे एड्स का है, कैंसर का है, अवेयरनेस प्रोग्राम, ड्रग डी एडिक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कम से कम 40-50-2000 प्रोग्राम की आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जहां कहीं पे जो भी फाइल जाए तो वहां पे आपने देख लिया कि वहां पे हाँ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, पुअर हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड सेफ प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये पकड़ जाएंगे सारे प्रोग्राम आपके, इस तरीके से नहीं। आप मुझसे बाद में लीजिए, मैं शीट दूंगा आप लोगों को, मैं शीट दूंगा, उस तरीके से तैयार करिए भाई साहब, ठीक है, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, उस तरीके से तैयार करिए, क्योंकि फाइल आती है आप अपने डॉक्यूमेंट देते नहीं है, तो मैं अपने दे दूंगा, आप अपने मत दीजिए, आप अपने अपने पास रखिए, मुझसे ले लीजिएगा, इस तरीके से नहीं। उनको पूरा विधिवत सब लिखा होगा कि एनुअल मीटिंग कब होती है कब नहीं होती, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना होगा, ये सारी चीजें नोट करना होंगी, ठीक है, और कोशिश करके डेली आ जाया करिए, थोड़े दिन की बात है, सीख जाएंगे एक बार तो फिर जल्दी हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप अवेयरनेस प्रोग्राम, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना, ये भाई साहब सब में लग जाएगा, क्योंकि स्वयं सहायता है, अब ये स्वयं सहायता है, स्वयं सहायता जिसमें आप ठोक दो हर जगह लगेगा, है ना। SC ST OBC सब में लगेगा, ट्रेनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन के कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम, हेल्थ कैंप, इस तरीके के प्रोग्राम्स के नाम होने चाहिए, तो आपको मेडिकल रिलेटेड भी मिलेंगे प्रोग्राम्स और वैसे भी मिलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कुछ डाल दिया करिए, जैसे RCH प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम ऑन वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, इसमें जब उनके अधिकार की बात होगी तो सारे उसमें हो जाएंगे। अब अडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें सारे प्रोग्राम हो गए, एजुकेशन आप रिलेटेड दे रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम दे सकते हैं। लेबर वेलफेयर प्रोग्राम, अब लेबर में जितने भी उनके जो जितने भी काम है, आ रही है, दरदोजी है, बुनकर है, कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, फलाने हैं, वो सब उसमें आ जाएंगे। लेबर आपने लिख दिया ना, तो लेबर में स्पेसिफिक आपको करने की जरूरत नहीं है, कि स्पेसिफिक तब करेंगे जब आपको मांग रहा है, कि जैसे अभी सिलाई मशीन वाला था तो उसमें स्पेसिफिक कह रहे थे वो कि कारीगर जो हो वो, है ना, क्लियर हो रही है मेरी बात, अगर किसी को कोई डाउट है वो है तो मुझसे पूछ लीजिए। हैंडीकैप वाला प्रोग्राम डाल दिया करिए, हैंडीकैप तो हैंडीकैप को तो सारे हम प्रोग्राम देते हैं, है ना। एनवायरमेंट अवेयरनेस, अब एनवायरमेंट अवेयरनेस में सब आ जाएगा, एनवायरमेंट में तो पूरा पर्यावरण आ गया आपका, एनवायरमेंट में कुछ भी डालो, तो कुछ चीजें आप ऐसे करो। बाकी वेलफेयर प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट पर्सन, वेलफेयर जो है ना, सोशल वेलफेयर, ये बहुत अच्छे नाम है इनको, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में पिछलों को डेवलपमेंट, मतलब इन लोगों को आप उठा रहे हो। अब उठाने में आप उनको क्या क्या चीजें दोगे,
आप उठाने में उनको बहुत सारे प्रोग्राम दे सकते हो। कौन कौन से? जितने चाहे उतने, ठीक है। फिर आ गया आपका प्रोग्राम ऑन लिटरेसी, ये सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी प्रोग्राम की लिस्ट होनी चाहिए कि एज एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल भाई साहब, मैंने कहा तो मालिक साहब, मैं आपको दे दूंगा, आप व्हाट्सअप करिए मुझको कि आपको मैं पूरे पूरा ये है ना, ये पूरा ये बही खाता दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये दिखता नहीं है इसमें, ये हमारे कैमरे की खासियत है कि ये दिखेगा नहीं। तो आप मुझको मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। सब सब ले लीजिएगा, जो मेरा था वो आपका है और जो आपका है वो आपका ही है, ठीक। कोचिंग प्रोग्राम, अब कोचिंग में कोचिंग है, वर्कशॉप में वर्कशॉप है, इस तरीके से ऐसे डालिए। ओल्ड एज पर्सन, अब इसमें कम से कम आपके पास 200 से 250 प्रोग्राम होना चाहिए, जितने ज्यादा प्रोग्राम आप करेंगे। एक्टिव एक्टिविटी, एक्टिविटी बहुत जरूरी, स्कूल में बताया गया जिंदा है तो हरकत, हरकत में बरकत है ना, ठीक। ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज अब आता है आपके, तीन चार चीजें फिर से नोट करिए। फेसबुक पेज भाई साहब रेडी कर लीजिए, वेबसाइट है दैट्स वेरी गुड, यूट्यूब चैनल अपना रेडी करिए, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जबरदस्त करिए, मैंने डाल रखा है लिंक्डइन का पूरा वीडियो वो, और ई अनुदान और वो क्या नाम था भूल गया मैं, एनजीओ दर्पण, दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन करिए। CSR1 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, अगर नहीं है तो ले लीजिए, ठीक है। बोलिए, हुकुम करिए, आप लोग आदेश करिए और आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल, ठीक है। और कॉल कर लिया करिए, मैसेज कर लिया करिए, लेकिन एक या दो बार अगर फोन रिसीव ना हुआ करे, बहुत सारे लोग हैं वो लगे रहते हैं, है ना, तो वो एक बार में उठना होगा उठ जाएगा, दोबारा फिर नहीं उठेगा तो फिर नहीं उठेगा, क्योंकि ऐसी जगह होता हूं, थोड़ा गैप ले लेके, जैसे एक बार सुबह किए, एक बार दोपहर, एक बार शाम, एक बार रात में, है ना, जैसे डॉक्टर की दवा होती है गोलियां वैसे, ठीक है। टेक बुक जिनको नहीं मिल पाई है मिल जाएगी सबको, जो जो चीजें बोली हैं रिमाइंड कराते रहा करिए, रिमाइंड जरूरी है, क्योंकि फॉलो अप करना जरूरी है। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप जानते हैं, फॉलो अप सीखिए, फॉलो अप कैसे करा जाता है। फॉलो अप करने का बेस्ट तरीका है मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट, टैक्स करा कीजिए, टैक्स, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको टैक्स करा कीजिए, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉल मत करा कीजिए ज्यादा, ऑफिसर है अधिकारी है, उसको धीरे से एक टैक्स मैसेज डाल दिया बस छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑफिसर है अधिकारी है, उसके पास 20 काम है, वो चिढ़ जाएगा, खिसिया जाएगा, आप रात दिन लगे हैं, उसका तरीका सीखेंगे। आप लोग किसी दिन बताइए तो उस दिन मैं फॉलो अप की ही पूरी क्लास दे दूंगा कि डे वन कैसे फॉलो अप करना है, डे टू पे क्या करना है, डे थ्री क्या करना है, डे फोर क्या करना है, पूरे 100 डेज का है, 100 डेज, 100 दिन बदल बदल के, मतलब बिल्कुल बोर नहीं होंगे, प्रोफेशनल वे में, ठीक है। और दूसरी चीज है क्लोजिंग स्किल्स सीखिए, अधिकारी से कैसे बात करना है, जाना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेरी करना है, क्या जवाब देना है, क्या सवाल लेना है, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं स्वागत करता हूं, टाइम बहुत तेजी में हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता, पत्रकार साहब अब आए हैं, सो सो के जागते हैं, बताओ 8 बजे का टाइम है और जब टाइम हो जाता है तब तो आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बहुत तेजी में बहुत कुछ दे देते हो, सब ऊपर से चला जाता है, तो मुझे बता दिया करिए कि क्या क्या चीज, मैं एक एक दो दो टॉपिक लेके चलूंगा रोज रोज, है ना, तो दो दो तीन तीन चीज को हम लेके चलेंगे ताकि कवर करना जरूरी। क्लोजिंग स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स का मतलब होता है डील को क्लोज करना, कितने लोग चाहते हैं कि क्लोजिंग स्किल्स सीखें, कमेंट में यस लिखिए, कमेंट में यस कर दिया करिए। क्लोजिंग स्किल्स, फॉलो अप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, पिच, आपकी पिच एकदम जबरदस्त होना चाहिए, आप जाएं और आपको तड़ से आदमी बोले क्या यस, है ना, फौरन आपको बोले, तो 100 के ऊपर 100+ क्लोजिंग स्किल्स हैं। और 365 दिन का है फॉलो अप भाई साहब, साल भर तक आप फॉलो अप करते रहेंगे और उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप फॉलो अप कर रहे हैं। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना किसी का। प्रोफेशनल स्किल्स हैं, बहुत
मुश्किल से और बड़ा मेहनत से सीखी है, तो वो नोट कर लेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे, डेली डेली एक एक दिन एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे, ठीक है। फाइल रेडी करिए, अपने प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। आज हमने सीखा कि आपको क्या चीज बनानी है, आज का क्या है टॉपिक, आज का एसडब्ल्यू क्या है, एसडब्ल्यू भी लेते रहेंगे। भाई साहब क्या था, भूल गए, अरे बताइए कमेंट में बताइए आज का क्या था टॉपिक जो मैंने कहा है आपको 200-250 करना है, क्या चीज ले गई भैंस पानी, खाया पिया गायब। अरे भाई एसडब्ल्यू में क्या चीज है, क्या करके लाना है, मालिक साहब लोग बताइए। अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ ये कृपा फाउंडेशन, वेरी गुड, वेल डन जगदेश प्रसाद, वेल डन, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, नाइस। प्रोजेक्ट नहीं, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज भाई साहब, एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज होने चाहिए आपके पास, आपके पास वो एक्टिविटी होना चाहिए जो कहीं पर भी मांगी जाए तो उस एक्टिविटी की, हाँ 250 एक्टिविटीज, वो देखिए, फिर मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन दिखना चाहिए, जो दिखता है भाई साहब वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। सक्सेस का पहला रूल है, क्या रूल है, शो अप, शो अप अर्ली स्टे इन लेट, जल्दी दिखो देर तक टिके रहो मार्केट में, जो लोग पहुंचते हैं जल्दी, स्पीड में, स्पीड पावर, आपको जहां पहुंचना है उसके लिए रफ्तार बहुत जरूरी है, समय है बहुत कम, और आप बैठे रह जाएंगे, इंतजार करते रह जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे, तो अपने आप को पहले से तैयार कर लेना है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन समझते हैं ना, प्रिपरेशन, कहीं पे भी जाएं तो तैयारी, हथियार, गोला बारूद, आप बताइए जंग पे जाएंगे, युद्ध पे जाएंगे, कितने हथियार लेके जाएंगे, एक पिस्तौल, दो पिस्तौल, हमें पूरा ट्रक भर के लेके जाओ, कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं आना है, मार के आना है, तो आपके पास एक्टिविटीज का भरमार, मतलब वो जो अधिकारी कहे ये है, आप कहो यस सर हमारे पास है, फट से आप उसके सामने पेश, वो कहेगा हाँ ये संस्था है बढ़िया, और कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, उसको बहुत आसान तरीके से, कोई पैसा नहीं खर्च होगा, फ्री में होते हैं सारे प्रोग्राम, फ्री में मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, किट दे रहा हूँ, फ्री में भर भर के सामान दे रहा हूँ आपको, आप वही सब करवाइए, और बैनर आप बना लीजिए, कई सारे बैनर बनाइए, उसको बदल 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 बैनर, एक प्रोग्राम में आप 20 प्रोग्राम के बैनर आप तैयार रखिए, एक भीड़ है, सभा लगी हुई है, बस फटाफट फटाफट बदल बदल के आपके मेंबर हो जितने, हर मेंबर के साथ फोटो, हर मेंबर के, आप ये समझिए ऊपर क्लास है नीचे क्लास है, दो जगह क्लास है, एक जगह लड़कियां बैठी, एक जगह लड़के बैठे हैं, दो क्लास में 20 स्कीमें करवाई, सिर्फ बैनर बदल बदल के, दनादन 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 दनादन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हो गया, वही 50 लोग हैं, 500 सबमिट हो गए, तो वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं है तो आप कैसे करेंगे, आप बताइए, आपने एक बार अपने पास एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया ना, आपने एक बार अपने पास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए ना, फोटोग्राफ्स इकट्ठा कर लिए, लेटर इकट्ठा कर लिए, आदमी बुला बुला के आपको देगा। मेरी बात पे बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी, यार तुम फर्जी दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई तो अपना आप कर सकते हो, भाई जैसे मैं, मुझे दिक्कत होती थी, मैंने जैसे समझा, जो चीज समझी कि भाई पैसा था नहीं है ना, जेब से कब तक लगाते, तो करना है क्योंकि आदमी मांगता है, तो उसको करेंगे कैसे, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, डाटा होना चाहिए, प्रूफ, तो वो कैसे होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री में होते हैं आप, और ए, 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 एक दो तीन चीजें और रेडी करिए, दो तीन चीजें और हैं उनको भी रेडी करिए, कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, तीन चीजें आज हमने बात की है, एक है सेल्स और एक क्या चीज थी, एक क्लोजिंग और एक फॉलो अप, ठीक है, ये तीन चीजें और रेडी करिए, तो आपके पास जब फाइल अच्छी सी होगी, इतनी मोटी फाइल होगी, फोटोग्राफ्स होंगे, तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, नई रोशनी वाला प्रोजेक्ट अगर लेना है तो वो ले लीजिए, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, नई रोशनी है और दो तीन और हैं, ठीक है, एक 7000 वाला आया है, 8000 वाला कोर्स, वो ले लीजिए, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं उनको लेके अपना अपना अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, लिटिल लिटिल मिलाइए और लार्ज बनाते रहिए, ठीक है, ठीक। कल की जो मीटिंग होगी तो उसमें मैं वर्क देखूंगा आपके पास कि कितनी एक्टिविटीज हैं, कितने पेपर्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने रजिस्टर्स हैं, हाँ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं,
नई रोशनी के लिए भी तो उसमें ओपन नहीं हो रहा। हाँ वो अभी नहीं होता है, वो होता रहता है। देखिए ऐसा होता है कि डेट आती है और डेट चली जाती है, तो फिर वो अभी अभी सिडबी वाला चल रहा है, तो सिडबी वाले में आप अप्लाई करिए अगर कर सकते हैं। सिडबी वाला है और बहुत सारे हैं प्रोग्राम्स तो आते रहते हैं, मैं बराबर उनकी डिटेल्स देता रहता हूँ। 15 तारीख लास्ट डेट है, तो जिसमें अप्लाई कर सकते हैं करें, नहीं तो मैंने कहा प्राइवेट पे फोकस करिए ना। प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाना है और कुछ भी नहीं लगता, और आप जाएंगे और वहां से आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके लिए लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो उनको ही देते हैं जो उस फील्ड के माहिर होते हैं, तो वो ऐसे नहीं देंगे किसी को। आप कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं तो कंप्यूटर सेंटर के लिए आपको पैसा मिलेगा, है ना, आपके पास कंप्यूटर। हाँ लाइक CSR, हाँ वो CSR के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपके पास कंप्यूटर सेंटर है तो कंप्यूटर सेंटर के लिए पैसा मिलेगा, आपके पास ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर के लिए। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है ना, नेटवर्क इशू है, हाँ तो ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा समझा करिए, बी पॉजिटिव और अच्छे वे में मेरी बात लिया करिए। मैं जो भी बात बोलता हूँ उसको समझने की कोशिश करा कीजिए, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, नेगेटिविटी मत लीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। नेगेटिविटी कैसे होती है, एक डॉक्टर थे, उन्होंने शराबियों को बुलाया दिखाने के लिए कि देखो शराब के क्या नुकसान होते हैं, और उन्होंने एक गिलास में कांच में पानी रखा सफेद में, और एक में रखा शराब, और उन्होंने केचुआ उठाया शराब वाले गिलास में डाला, वो कट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो डॉक्टर ने कहा देखा शराबियों से, पूछा कि कुछ समझ में आया, तो एक शराबी खड़ा हुआ, हाथ खड़ा किया और बोला हाँ डॉक्टर साहब समझ में आया। करें क्या, कि यही कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या सिखा रहे थे और वो सीखा क्या उन्होंने, है ना। तो जो भी चीज है वो लेके जाना है पॉजिटिव, के शराब पीने से मरेंगे कि फायदा होगा, तो आदमी अपने अपने हिसाब से लेता है सारी चीजें। तो जो भी चीज मैं बोलता हूँ डोंट टेक पर्सनल, कोई भी चीज पर्सनल नहीं लीजिएगा, और समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस वे में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आपके पास में कैसे हैं कैसे नहीं, मुझे सबको लेके चलना है, क्योंकि कुछ बहुत से डाउन से लोग हैं, बहुत नीचे से हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे हैं जो मजबूर हैं, जो चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कहीं से हो जाए, है ना। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि सबको कुछ ना कुछ हो जाए, तो मुझे नीचे लेवल से लेके और अप लेवल तक लेके जाना होता है, तो उसके समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत कीमती वक्त दिया। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए ओके डाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।